तो अपने मिकी ने हमें टाइम बता दिया है, और कल रात हम जो हमारी जो हालत हुई ना, ये धोबी घाट की हो गए। तो कल रात को जो हमारी हालत हो गई ये, और एक हालत ऐसी होगी मेरी कि जूते में मेरे पानी गया और रात भर जूता सूखा नहीं है। लेकिन एक थेरेपी है मेरे पास, लेकिन मैंने आजमाया नहीं क्योंकि मैंने वो चीज़ लाया नहीं। लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर राइड पे अगर जाते वक्त आप लोग ने भी मतलब दिमाग में ये बात फिट कर दो, लद्दाख जाओ, स्पीति जाओ या बारिश में जाओ, जूते में पानी जाना ही जाना है। वो भी जब लाइनर बहुत ज़्यादा होता है ना जूतों में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो राइड के वक्त आपको क्या करना पता है? आपको पता है स्टोन्स आते, गोल गोल राउंड स्टोन्स आते, वो हमेशा दो तीन कैरी करो। दो तीन क्यों मैं बोल रहा हूँ, चार कैरी करो, दो इसमें दो उसमें, अगर दोनों भी गिले होते तो। ऐसा एक नॉर्मल साइज लेना ताकि जूते के अंदर तक, मैं बता देता हूँ। तो ये है अपना जूता, और इसके अंदर लाइनर बहुत ज़्यादा है तो फटाक से सूखने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक छोटे से जो स्टोन्स आते हैं, मतलब स्टोन्स अंदर से डालो, फिर ऐसे घुमाओ, फिर वो स्टोन अंदर आएगा, ठीक है? वो साइज का स्टोन, एक बड़ा स्टोन, ताकि वो स्टोन यहाँ पे अटका रहे और एक बीच में अटका रहे, मतलब तीन और तीन छह स्टोन लेना। अब बताओ स्टोन क्यों? आइडिया नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ। तो हर होटल में आपको हॉट जार मिलता ही है, अगर नहीं होगा तो बंदे को बोल दो कि भाई एकदम उबला हुआ पानी ला के दे, उसमें आपको स्टोन डालना है, स्टोन फिर से आपको कपड़े में से निकालना है या तो बाहर निकालो कैसे वैसे। और इस जूते में जो छोटा पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे डाल दो, मीडियम जो आएगा यहाँ पे डाल दो, और बड़ा वाला जो है वो पीछे रख दो, ताकि क्या होगा मालूम है, स्टोन गर्म होगा, हीट होगा, और वो हीट जो है ना अंदर आयन पैदा करता है, तो उसके बाद वो जो आपका लाइनर है पूरा टोटल सूख जाएगा। वो 5 मिनट का काम है बस। और ये देखो मैं रात भर ऐसे फैन के नीचे रखा हुआ तो भी सूखा नहीं है। अब मैंने दूसरा जो शूज़ है, मैंने ये एक्चुअली सूखा हुआ यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें पानी नहीं गया था, और उसमें पानी गया क्यों मालूम है, एक गाड़ी को मैं ओवरटेक कर रहा था, एक्चुअली एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, और बंदे के टायर से जो कीचड़ कीचड़ नहीं पानी जो उड़ा फटांग करके वन साइड में साट करके गया नीचे, बता रहा हूँ। जूता ये मैंने यहाँ पे रखा है, और ये जूता ये यहाँ पर रखा है ऐसे करके, मतलब ताकि सूख जाए, इसके अंदर पूरा पानी चला गया था। और हमारे सॉक्स, और रामेश्वरम धनुषकोड़ी आके आप सूरज देख सकते हो कहाँ तक है, मतलब ये मुंबई में अक्सर ये 10 साढ़े 10 बजे ऊपर इतना होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर है, होता है ऊपर नीचे। और वैसे ही आप जम्मू जाओगे तो जम्मू में आपको 7:30 पौने 8 बजे तक सूरज भी ऊपर दिखता ही है, अंधेरा नहीं होता है टोटल, और झटक से एक 10 मिनट में वो ब्लैकआउट हो जाता है। तो अभी बजे 9:30 और 9:30 बजे, हम लोग अभी उतर के पैकिंग कर रहे हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है। तो अपना पूरा सेटअप लग चुका है यहाँ पर, और रामेश्वरम हम लोग जाकर आ गए, और कैमरा तालाब नहीं था इसलिए कुछ किया नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे धनुषकोड़ी, और उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अपने फ्रेंड का जो टायर है वो बहुत ही अच्छा है, अभी तक मतलब नक्सी बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम ये मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार किलोमीटर और भी चल सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं हम रियर टायर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉर्नरिंग करने के लिए जो नक्सी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है अभी तक, और जो फ्रंट वाला है बीच मतलब बीच वाला जो है ना वो अब घिस चुका है, तो भी नक्सी थोड़ी बहुत है मेरे ख्याल से। ये मैंने सोचा था यार 1000 किलोमीटर में उड़ जाएगा, लेकिन अपनी अभी 2200-2400 किलोमीटर गाड़ी चली है तो भी नक्सी अभी है। बेंगलोर में जाके देखूँगा मैं अभी यहाँ से, और कम से कम ये 1000 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। 1000 किलोमीटर के बाद मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में है रेलवे स्टेशन, और राइट साइड में हम लोग का होटल है एकदम एग्जैक्टली सामने। और होटल इतना बढ़िया था कि क्या बताओ, इतना क्लीन, एकदम 5 स्टार होटल की तरह है। अगर आप भी कभी रामेश्वरम आते हो तो सामने वाले होटल में ही रुकना, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है उसी में। कल रात बहुत बारिश हो गई और अभी पूरा धूप निकल आया है अच्छे से, और मेरे जूते भी सूख गए अभी, अभी टेंशन नहीं है उतना।
और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो पेट्रोल पंप है रामेश्वरम में, कि यहाँ पे कार्ड नहीं है, अगर आप लोग कभी भी आते हो कोई भी मतलब गाड़ी से आए, फोर व्हीलर से टू व्हीलर से, कैश रखो भाई, क्योंकि आपको कार्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या सोचते क्या, यहाँ पे मशीन होगी कार्ड की तो स्वैप हो जाएगा। ये जो पूरा एरिया रामेश्वरम का है और धनुषकोड़ी, यहाँ से हमें है 18 किलोमीटर, एग्जैक्ट 18 किलोमीटर। तो धनुषकोड़ी के रूट पे थोड़ा सा जाते हैं, फिर उसके बाद हम फिर से आपको दिखाते हैं नज़ारा। राइट साइड में भी आप देख सकते हो पूरा सी है, समंदर है, और लेफ्ट साइड में भी। और यहाँ के लोगों का जो बिजनेस है, मतलब ये मछुआरे हैं, मतलब फिश कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, खुद के लिए भी रखते हैं, और टूरिज्म पे इनका पेट चलता है। यहाँ पे भी आपको ये राइट साइड में सब झोपड़े दिख रहे होंगे, यहाँ पे झोपड़ों में फिश भी बिकती है और समंदर के पेट में से जो निकलती हुई चीज़ें वो यहाँ पे बिकती है। और यहाँ पे होटल्स भी है, यहाँ पे ताज़े ताज़े फिश पकड़ के लाते हैं और आपको फ्राई करके देते, लेकिन सुरमई और बांगड़ा पंपलेट ये सब नहीं मिलता, जो फिश यहाँ की लोकल है वही मिलेगी यहाँ पे, और प्रॉन्स तो मिलता ही मिलता है। अभी यहाँ से शुरू होता है धनुषकोड़ी के लिए जाने के लिए, कम से कम धनुषकोड़ी यहाँ से अभी भी मुझे 16 किलोमीटर है, और 16 किलोमीटर ये जो रास्ता दिख रहा है ना, राइट साइड में भी पानी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी समंदर है पूरा, आप देख सकते हो, वाह, और पूरा ग्रीन एंड ब्लू समंदर है पूरा, यहाँ पर भी समंदर है और यहाँ पर भी समंदर है, आप देख सकते हो राइट साइड में, और वो छोटा सा आइलैंड है, और ये भी एक रास्ता है बीच में से ही गया हुआ है, और वो आप मतलब लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, ये टाइम भी दिखा रहा हूँ मैं, एक वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर मतलब मस्जिद टाइप है ऐसा कुछ, तो वहाँ से लेफ्ट साइड में जाना है, वो भी एक छोटा सा ऐसे ही नैरो रोड है एकदम। तो यहाँ पे बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते, श्रीलंका है ना वो सामने, अरे विंड है ना, अपन रास्ते में बीच में जिधर ओपन जगह रहेगा ना उधर ड्रोन फ्लाई ट्राई करने का, फ्लाई उधर ट्राई कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, इधर हवा बहुत ज्यादा है, नहीं इधर नहीं करेगा, और इधर पब्लिक भी बहुत है, अगर इसको लग गया तो प्रॉब्लम होगा। हाँ वही, तो हम लोग बीच में जाकर ड्रोन, नहीं नहीं तूने पूछा ना श्रीलंका, श्रीलंका वो साइड में, और ये जो बीच का रास्ता है ना जो राम राम और हनुमान गए थे सब लोग, हाँ वो इसी, एक्चुअली ये डीप नहीं है रे, बीच में देख रहे हैं ना, देखो जमीन, हाँ लैंड है ना, जमीन है ना, वैसा ही है। और वहां जाने के लिए उन्होंने और एक और एक रास्ता दिख रहा है श्रीलंका के लिए, रे गिरे गिधरा, गाइस यहाँ पे ये जो छोटा सा जमीन दिख रहा है ना आपको, ये जमीन अभी एक्चुअली ये गोपुर में नहीं दिख रहा होगा ये, एक्चुअली यार ये जमीन है ना, स्ट्रेट रूट दिख रहा है मेरे को वहां से, जमीन बीच में से यार, दोनों बजे दोनों तरफ से पानी है, और वो आइलैंड एक छोटा सा उसकी तरफ स्ट्रेट गया यार, काश मेरा ड्रोन उड़ता, इसकी हवा बहुत ज़्यादा है इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा सकते। गाइज़ यहाँ पे आना हो तो अर्ली मॉर्निंग आया करो, हम लोग अभी ये टाइम पे आ गए अभी 10:15 बजे, तो कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और आपको मज़ा लेने के लिए थोड़ा खाली स्पेस चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग आया करो। वैसे यहाँ पे चुटर पुटर खाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, काकड़ी है, पाइनएप्पल है, इमली चना बिना, ये सब ऐसे बचपन की यादें दिलाती है ये सब चीज़ें, अभी नहीं खा सकते, अभी खाएंगे तो बीमार गिर जाएंगे, इमली टिमली। एक्चुअली क्या ना, भीड़ होने के कारण से ना बाइक छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि हर एक पब्लिक आ रहा है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, उसे यहाँ हाथ लगा देना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और इसकी बाइक को तो अरे वाह वाह वाह, ये तो नॉर्मल है, इसके बाइक को तो मुंबई से जब से निकला है तब से वही चालू है रिव्यू रिएक्शन, ओ माय गॉड। अभी ये मेरा बाइक है, मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, और नॉर्मल स्पीड है छोटी के, तो गाड़ी देखो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट, क्योंकि यहाँ से हवा ऐसी आ रही। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ने ये जो स्पॉट जाते हैं वो देखा था, क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लिया जाए, ज़्यादा ऊपर तो हम नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा ही ऊपर लेके जाएंगे, देखेंगे पहले स्टेबल होता है कि नहीं।
भाई ड्रोन शॉट तो हो गया है, फोटोग्राफी भी हो चुकी है। अभी हम लोग निकलेंगे धनुषकोडी से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी अभी हमें ऐसे 300 किलोमीटर राइड करनी है। हाँ 300 किलोमीटर, और अभी बजे है 11:15 और 11:15 बजे स्टार्ट। या चलो चलो, धूप बहुत बढ़ गई यार। ओके देन बाय, चल बाय। हाँ हाँ एंड सब्सक्राइब। ओके ओके बाय। बंदे फोटो खींचने आए थे लेकिन अपन ने उसको भी सब्सक्राइब करने बोल दिया है, अभी सब्सक्राइब भी करेंगे और अपनी फैमिली मेंबर बढ़ रही है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा कन्याकुमारी, बाद में फिनिश। कन्याकुमारी हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। आज पूरे 9 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए। एक दो दिन तो हम लोगों ने बहुत टाइम पास किया, मतलब आराम भी किया, टाइम पास भी किया, वेस्ट किया, ऐसी वेस्ट नहीं बोल सकते, आराम कर लिया। इतने दिन की बात, मतलब राइड थी, आराम करने का बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने एडिटिंग की, उसके बाद गाड़ी का दोनों का काम करवाया, मैंने चेन स्पॉकेट और ओवरऑल चेकअप था वो करवा लिया था, उसने लाइनर चेंज किए थे। और अभी आई थिंक सो मुझे बैंगलोर में इसको टायर डालना पड़ेगा अपने गाड़ी को। और ये धनुषकोटी का ये ब्रिज है रामेश्वरम का, जहाँ से राइट हैंड साइड से ट्रेन आती है और ये ऊपर से ब्रिज है। और लास्ट टाइम मेरा मोबाइल भी यही फूट गया था ऊपर, कल आते वक्त हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा था और मोबाइल भी अंधेरा था, गोप्रो भी अंदर ही था, मोबाइल में अंदर ही था, सब कुछ कैमरा वगैरह सब अंदर था और मैंने पूरा रैप किया था इसलिए दिखा नहीं पाया। सुपर्ब, पहले चेक कर दो हा शॉर्टकट असेल म्हणजे रोड बघ, मला वाटतं हा गावातून जाणार आहे, तहा नको आपण हायवे टू हायवे जाऊया। मॅप में ऍक्च्युली बता रहे वो जो हायवे मेन तो सीधा हाईवे पकड़े जाना है, या मैप बता रहा है शॉर्टकट भी जाना है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अभी कितना फ़र्क है, कितना किलोमीटर का फ़र्क है। अरे रास्ता कोई दूसरा दिखाई नहीं रहा, यही दिखा रहा है, और यहाँ से जाएगा ये कोई सिटी है। नहीं नहीं सुन 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 सुन, तेरे को मालूम है अपन ने जब लेफ्ट लिया था मेन, वहाँ से कन्याकुमारी था सीधा, चल मेन रोड पकड़ के चलते। मेन रोड मेन रोड मेन रोड लेना ही अच्छा, क्योंकि ये गांव में जाएंगे ना तो गांव गांव में, और ये स्पीड ब्रेकर 10 स्पीड ब्रेकर आएंगे, मज़ा नहीं आएगा कुछ चलाने में। यहाँ पे नमक निकाला जा रहा है, नमक नमक सॉल्ट की फैक्ट्री है पे, ये यहाँ पे अभी पानी जमा किया और ऐसे अभी नमक निकलेगा। और कन्याकुमारी हमें यहाँ से सिर्फ 125 किलोमीटर है। अभी बजे है 2:30 और 2:30 बजे सेक रहे हम लोग, सेक रहे, लेकिन बारिश से तो अच्छा है कि भाई वाह कितना सॉल्ट है रे, बाबा 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 बाबा, और वो सामने फैक्ट्री है सॉल्ट की, नमक की। अंडा पकोड़ा, अंडो पकोड़ा सुबह मॉर्निंग में पकोड़ा खाया नहीं था तो इसलिए एक पकोड़ा भी खराब हो। ये तो एकदम दाल बाटी जैसा है, लेकिन मुझे लगा कि दाल बाटी है या तो कोई पकड़ होगा, लेकिन ये स्वीट है। कन्याकुमारी अभी पहला एक हाईवे में था, मैंने जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि वो दूसरा सेकेंड हाईवे था, और ये अभी थर्ड हाईवे है, ये भी NH है बड़ा। और यहाँ से अभी 84 किलोमीटर हमें कन्याकुमारी है, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रही यार। और अभी मुझे 3:30, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गाड़ी का जो पीछे का जो टायर है वो कन्याकुमारी में ही मैं चेंज कर दूंगा, अगर अच्छा खासा मिला तो। तो फाइनली हम लोग अभी कन्याकुमारी आ गए हैं, सिर्फ अभी ऐसे 4 किलोमीटर है, धमाल धमाल, और बजे अभी सिर्फ 4:45। तो आज का दिन शुभ रहे, आज का दिन शुभ रहे, खुशी का दिन है।
तो ये सामने कन्याकुमारी का लास्ट स्टॉप और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हम लोग अभी अंदर नहीं जाने वाले क्योंकि राइडिंग गियर में ये और पूरा सामान है। एक्चुअली कल निकलना है अर्ली मॉर्निंग हम लोग को, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग फोटो भी लेंगे और कल शॉर्ट्स भी बताएंगे। एक्चुअली ड्रोन फ्लाई करना है और पुलिस भी है, पब्लिक भी ज़्यादा है, तो गाड़ियों की इतना देख रेख में हम लोग ने अगर ड्रोन निकाल दिया तो कम से कम यहाँ पे 100 पब्लिक खड़ी हो जाएगी। गुड अर्शल, नाइस नाइस अर्शल। अभी हम लोग फिर से निकलते हैं, अभी देखते हैं होटल, फिर आराम करेंगे। और अभी बजे है, मिकी बता जरा, मिकी नाराज हो गया, चला गया। मिकी बता रहा है अभी 5 बजने के लिए सिर्फ 5 कम है। कन्याकुमारी आने के बाद यहाँ आपको ये मार्केट मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स है, दुकान, शॉपिंग बिपिंग कपड़े का ये वो सब करना है तो कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हो, खाने पीने के सामान ले सकते हो, बैग्स ले सकते हो, लेकिन सारा ये चाइना माल है, डुप्लीकेट माल है, ओरिजिनल कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। लास्ट टाइम में एक्चुअली मैं आया था तो बहुत एक्साइटमेंट से मैं अंदर गया था, और अभी मुझे मेरे में इतनी एक्साइटमेंट नहीं है कि अंदर जाऊँ और मैं देखूँ बस, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ ना। कांति भाई को बहुत एक्साइटमेंट, लेकिन उनको भी अंदर नहीं जाना है, बस बाहर से ही देखना था उनको कि कैसे क्या है। और विचारूँ चर्च पूरे चर्च चर्च हाँ राइट 1 किलोमीटर देन राइट। ओके ओके चल, तो ये है चर्च। हम लोग लास्ट टाइम एक्चुअली आए थे तो यहाँ पे हम लोग ने फोटो नहीं खींची थी और ना ही यहाँ पे आए थे, तो ये है कुछ चर्च का नज़ारा। वाओ, अरे ऊपर काम कर रहे हैं वो, लटके थे कैसे, 3-4 जने रोप वे से चढ़े हुए। हिमालयन गाड़ी में एक्चुअली C8 कंपनी का टायर दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे MRF का मिला है। अब पता नहीं कि मुझे टायर मिलता है या नहीं, वो भी नहीं पता ठीक से, तो अभी हम लोग बस चेक करेंगे कैसे होता है। तो फाइनली मुझे टायर मिल चुका है, यहाँ पे बटन टायर है, लेकिन 70 है, 120, 90, 70, बट ये 71 है। अब देखते फिट होता है कि नहीं अपनी गाड़ी में। ये वाला टायर देखते यहाँ पे कुछ जो डी पूरा ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। सीएट कंपनी ये जो तो टायर है 12,000 चलने के बाद ये अभी टकला हो गया है, और यह अभी MRF कंपनी का आ गया, अभी पता नहीं ये कितना चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एडिटिंग है मेरी, ये मोबाइल में चालू है, और ये व्लॉग आपको पसंद आया ही होगा। एडिट में कैसे करता हूँ ये सारा, जो सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, एक स्पेशल व्लॉग में बनाऊंगा। तो बहुत सारे भाइयों का जो कहना है कि मोबाइल पे कैसे व्लॉग बनाते हो, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो में बनाने वाला हूँ। ये पूरा सीरीज खत्म होने दो, उसके बाद जैसे जैसे वक्त मिल रहा है वैसे वैसे एडिट हो रही है और मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। और धनुषकोड़ी तो आपने देख ही लिया है कैसे है, पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। करता हूँ अलविदा, गुड बाई।